गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को मतदान वाले दिन पोलिंग बूथ पहुंचे। उन्होंने शिवपुरी के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। शिवपुरी के पीजी कॉलेज में बनाए गए मतदान केंद्र पर भी सिंधिया पहुंचे। उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अधिक से अधिक मतदान कराने की अपील की। इसके अलावा यहां पर चल रही वोटिंग का भी सिंधिया ने जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, भारत का विकास सुनिश्चित करना धर्म है। सभी से अपील है कि संविधान में दिए गए मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो मार्ग प्रशस्त किया है उसे आगे बढ़ाने का काम करें। जन जन मोदी जी के साथ है और विश्व पटल पर देश का परचम लहराएगा। विश्व के सबसे विकसित देशों से ज्यादा मतदान हुआ है, हमारी कोशिश इसे और बढ़ाना है। मैं अपने सभी परिजनों से, भाई बहनों से, केवल गुना में नहीं लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में और समूचे देश में निवेदन करूंगा कि पूर्ण रूप से संविधान में दिया हुआ यह अधिकार, इसका पूर्ण उपयोग करें, हमारे देश की प्रगति और विकास को सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मार्ग प्रशस्त किया है पिछले 10 वर्षों में देश का, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन जन मोदी जी के साथ देश का परचम विश्व पटल पर लहराने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।